Hello everyone, wish you all a very very happy new year. And as the new year has started, this is also the time when we have to decide about the schooling of our child. Jin bachcho ne abhi school jana start nahi kiya hai, admission abhi karana hai. I posted a question few weeks ago, CBSE versus ICSE, ki aap logo ko kya lagta hai. But most of you were confused like me, और बहुत लोगों ने मुझसे कहा था कि if I do any research on this topic, I should share my conclusion with you all. So मैंने Google पे बहुत कुछ पढ़ा. अगर आप Google पे देखेंगे तो there are very very long posts available. बहुत कुछ material है पढ़ने के लिए कि ICSE better है या CBSE better है या उनका comparison. तो मैंने भी बहुत कुछ पढ़ा और जो conclusion एक कंकॉक्शन में आप कह सकती हो जो निकला, कि बेसिक पॉइंट्स जो मैंने कंक्लूड किए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए अभी यहाँ पर हूँ. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ICSE के कॉन्स की. ICSE के क्या डिसएडवांटेजेस हैं एज़ कम्पेयर टू CBSE. तो पहला डिसएडवांटेज सबको पता है कि इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन CBSE बोर्ड. तो हो सकता है आपके चाइल्ड को ये थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगे, उसको करने में ज़्यादा परेशानी हो. सेकेंड डिसएडवांटेज ये है कि अगर बच्चे को पढ़ाई में प्रॉब्लम होती है और उसको एक्सटर्नल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है तो ICSE के ट्यूटर्स शायद आपको ना मिले. थर्ड ये है कि अगेन आपने क्योंकि ICSE बोर्ड नहीं पढ़ा है या एज अ पेरेंट मैंने नहीं पढ़ा है, तो हो सकता है कि मैं अपने चाइल्ड की उतनी अच्छी हेल्प ना कर पाऊँ पढ़ाई में जितनी अच्छी मैं CBSE बोर्ड में कर सकती हूँ, बिकॉज मैंने CBSE पढ़ा है, मुझे उसके बारे में ज़्यादा आता है. और फोर्थ डिसएडवांटेज ये है कि ICSE यूजुअली मोर एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू CBSE, मतलब स्कूल्स ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं CBSE बोर्ड वाले स्कूल से. अब आते हैं उसके प्रोस की तरफ. तो उसका एक ही प्रो है और बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रो है कि वो ज़्यादा कंसेप्चुअल होता है. ICSE ज़्यादा कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग होती है एज़ कम्पेयर टू CBSE, एवरीवन नोज दिस. CBSE में थ्योरेटिकल ज़्यादा होता है, रोट लर्निंग ज़्यादा होती है. ICSE में कंसेप्चुअल ज़्यादा होता है, जो भी बच्चे को पढ़ाया जाता है वो थ्रू कंसेप्ट्स, थ्रू प्रैक्टिकल्स पढ़ाया जाता है, ज़्यादा समझ के बच्चा पढ़ता है. और मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, ये बेसिक प्रोज एंड कॉन्स हैं. अब अगर आपको क्या चूज़ करना चाहिए, CBSE या ICSE, तो अगर आपको ICSE इसलिए चूज़ करना है बिकॉज आपको लगता है कि ICSE की रेपुटेशन ज़्यादा अच्छी है, या कुछ पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा सबसे अच्छा करे, सबसे अच्छा पढ़े, हम औरों को दिखा सकें कि हमारे बच्चे ने ICSE से किया है, या जैसे जो रेपुटेशन कॉन्वेंट स्कूल की होती है तो वही रेपुटेशन ICSE की होती है, तो अगर आपको उस वजह से आप ICSE बोर्ड चूज़ करना चाहते हैं तो आई थिंक आप प्लीज़ मत कीजिए, बिकॉज वो पर्पस नहीं है ICSE बोर्ड का. अगर आपको कॉम्पिटिशन ही करवाना है, यही दिखाना है दैट माई चाइल्ड इज़ बेटर देन अदर्स बिकॉज वो CBSE नहीं ICSE से पढ़ रहा है, तो बेटर है कि आप CBSE ही पढ़ाएं, क्योंकि CBSE में बच्चा ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएगा, तो वहाँ पे आपका ये पर्पस ज़्यादा अच्छे से फुलफ़िल होगा. तो इन दैट केस आप ICSE बोर्ड ना चूज़ करें. एक डिसएडवांटेज ये भी है ICSE बोर्ड का कि क्योंकि वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, तो सेम बच्चे को अगर CBSE पढ़ाया जाए या ICSE पढ़ाया जाए तो ICSE में उसके मार्क्स एक्सपेक्टेड है कि थोड़े से कम आएंगे, CBSE में मार्क्स लाने का स्कोप ज़्यादा होता है. तो अगर आपको बच्चे को कम्पीट करवाना है औरों से और उसे बेटर प्रूव करना है, तो आप उसको ICSE बोर्ड ना चूज़ करवाएं, CBSE करवाएं, वहाँ पे वो ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला पाएगा. और अगर आपको इसलिए चूज़ करना है ICSE के बच्चा जो भी पढ़े, चाहे कम पढ़े, बट जो भी पढ़े समझ के पढ़े, मार्क्स चाहे कितने भी आए लेकिन जो भी वो पढ़े वो समझ के पढ़े, सिर्फ रोट लर्निंग ना करे और इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़े जो एक्चुअल में वो अप्लाई करे, जो एक्चुअल में वो समझे, प्रैक्टिकली करे, तो आप ICSE बोर्ड चूज़ करें. नाउ कम्स कि मैंने क्या डिसाइड किया. तो मैंने ICSE चूज़ किया. आई मेड अप माई माइंड कि मैं अपने डॉटर को ICSE में डालूंगी बिकॉज मुझे लगता है कि रोट लर्निंग ना करे, अननेसेसरी कंसेप्ट या चीज़ें ना पढ़े, सिर्फ रट के मार्क्स ना लाए, चीज़ों को समझ के करे, प्रैक्टिकली उनको अप्लाई करे, मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो आई डिसाइडेड कि मैं ICSE बोर्ड में पढ़ाऊँगी. लेकिन अगर आप ICSE चूज़ करते हैं तो एक चीज़ के लिए आप अपने आप को समझाएं कि
आपके बच्चे के शायद उतने मार्क्स नहीं आएंगे जितने उसके सीबीएसई में आएंगे. सो व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं आईसीएसई बोर्ड चूज़ कर रही हूँ, एट दैट टाइम मैंने ये प्रॉमिस किया खुद से कि जब ईडी के पीयर्स के, उसके कजन्स के, उसके नेबरहुड के बच्चों के मार्क्स आएंगे 90%, 95%, 98% और मेरे बच्चे के शायद 80 आएंगे, 70 आएंगे, 60 आएंगे, आई हैव नो आइडिया, तो मैं उस चीज़ से डिसहार्टन नहीं होंगी और मैं इस चीज़ को समझूंगी कि आईसीएसई में मार्क्स आना थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट है सीबीएसई से. तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा बच्चा उनसे पीछे है और मैं इस चीज़ को सोच के दुखी हूँ या मैं इडी पर ज़्यादा प्रेशर डालूँ कि वर्क हार्डर और स्कोर गुड मार्क्स. और दूसरी बात, मैं आईसीएसई इसलिए चूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं रोट लर्निंग से ज़्यादा समझ के पढ़ने पर फोकस करना चाहती हूँ, ये मेरा पर्पस है. तो मैं इस पर्पस को कभी ना भूलूँ, मैं कभी भी उसको मार्क्स के लिए प्रेशराइज ना करने लग जाऊँ कि अच्छा 70 आए तो 70 क्यों आए, 80 लेकर आओ, 80 क्यों आए हैं, 90 लेकर आओ, या क्लास में फर्स्ट आओ, टॉपर बनो, रैंकर बनो. मैं उस पर्पस से डेविएट ना हूँ. अगर मेरा वही पर्पस है कॉम्पिटिशन मार्क्स, तो फिर मैं सीबीएसई चूज़ करती. बट मैं इस पर्पस को कभी ना भूलूँ कि मैंने क्यों आईसीएसई चूज़ किया है, और मैं हमेशा उसको इसी चीज़ के लिए इनकरेज करूँ कि जो भी पढ़ रहे हो समझ के पढ़ो. तो अगर आप आईसीएसई चूज़ करते हैं तो इन दो चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें. मैंने एक डिसएडवांटेज बताया था आईसीएसई का कि हो सकता है पेरेंट्स बच्चे की इतनी हेल्प ना कर पाएँ क्योंकि उन्होंने सीबीएसई पढ़ा है. बट इन आवर केस आई हैव अ बिट कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ एंड माई हस्बैंड कि हम उसकी हेल्प कर पाएंगे. आई हैव नॉट सीन आईसीएसई बोर्ड टिल नाउ, मैंने नहीं देखा उसके एग्जाम्स का सिलेबस, बट मुझे लगता है कि हम कर पाएंगे. इवन इफ इट इज़ समथिंग न्यू टू अस, हम पढ़कर समझकर उसको समझा पाएंगे, तो मुझे लगता है कि हम कर पाएंगे. बट अगर मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं भी हो या किसी पेरेंट को ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि आईसीएसई तो डिफ़िकल्ट है और हम उसे नहीं पढ़ा पाएंगे, उसे हेल्प नहीं कर पाएंगे, तो इन दैट केस आई वुड से कि देयर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग. आप आईसीएसई में डालिए, उसके बाद एक साल, दो साल, तीन साल अगर लगता है कि बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है और आप हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सीबीएसई पे तो कभी भी स्विच कर सकते हैं. तो मुझे क्योंकि सीबीएसई हमने देखा है, हमें पता है क्या है, आईसीएसई हमने कभी देखा ही नहीं, हमें पता नहीं कि हम पढ़ा पाएंगे नहीं पढ़ा पाएंगे, बच्चा पढ़ पाएगा नहीं पढ़ पाएगा. सो लेट्स ट्राई, गिव इट अ ट्राई, हो सकता है कर पाए, हो सकता है हम पढ़ा पाए. तो सीबीएसई पे तो कभी भी स्विच कर सकते हैं. आई थिंक आईसीएसई इज़ वर्थ गिविंग अ ट्राई. अब ये मेरा डिसीजन था कि मैं आईसीएसई चूज़ करूँगी, बट अब प्रैक्टिकल सिचुएशन पर आते हैं. दिल्ली में जिस लोकेशन पे में हमारा घर है, इट इज़ इन नॉर्थ दिल्ली. तो जब मैंने गूगल किया, अनफॉर्चुनेटली मेरे घर के आसपास कोई आईसीएसई स्कूल नहीं है. जो नियरेस्ट आईसीएसई बोर्ड स्कूल है वो अराउंड 5 किलोमीटर्स है, 4-5 किलोमीटर्स, देन नेक्स्ट है 8-9 किलोमीटर्स. तो ये थोड़ा दूर है, बहुत छोटे बच्चे के हिसाब से बहुत दूर है. बट अगेन आई वॉज वेरी इंक्लाइंड टूवर्ड्स आईसीएसई, सो आई डिसाइडेड कि चलो मैं ये कॉस्ट भी पे करने को तैयार हूँ कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा आने जाने में, वी विल सी टू दैट, बट मैं आईसीएसई ही करूँगी. तो लेकिन जब मैंने उन दो स्पेसिफिक स्कूल्स के गूगल रिव्यूज़ देखे तो बहुत नेगेटिव रिव्यूज़ थे. बहुत मतलब पॉजिटिव रिव्यू कोई था ही नहीं, हार्डली एक दो थे जो कि पता नहीं जेन्युइन भी थे या नहीं. तो दोनों ही स्कूल्स के बहुत नेगेटिव रिव्यूज़ थे कि मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, फैकल्टी अच्छी नहीं है, प्रिंसिपल अच्छे नहीं हैं, कोई हेल्पफुल नहीं है. तो जब स्कूल ही अच्छा नहीं है तो मैं बोर्ड अच्छा चूज़ करके क्या करूँगी, नो मैटर वॉट द करिकुलम इज. अगर उसको ठीक से पढ़ाया ही नहीं जा रहा है तो देर इज़ नो पॉइंट ऑफ आईसीएसई और सीबीएसई. सो वो दोनों ही स्कूल्स रूल आउट हो गए और आईसीएसई का और कोई स्कूल था नहीं. देन आई हैड टू कम बैक टू सीबीएसई जस्ट बिकॉज ऑफ स्कूल. ऑल दो अब मैं इंटरनेशनल बोर्ड कंसिडर कर रही हूँ, विच इज़ आईजीसीएसई, क्योंकि मुझे उसका, क्योंकि वो सीबीएसई से बेटर लग रहा है मुझे और उसका बहुत अच्छा स्कूल मेरे घर के पास है. सो आई एम ट्राइंग फॉर एडमिशन इन दैट स्कूल, बट वो एक अलग टॉपिक है, इंटरनेशनल बोर्ड. बट अगर आईसीएसई और सीबीएसई में से आपको एक चूज़ करना है तो मेरी रिकमेंडेशन है आईसीएसई, प्रोवाइडेड आप इन दो बातों का ध्यान रखें. एक तो कंपेरिजन आप ना करें किसी और बच्चे से, और दूसरा जिस पर्पज के लिए आप आईसीएसई चूज़ कर रहे हैं लाइफ लॉन्ग थ्रू आउट योर चाइल्ड्स स्कूल लाइफ, आप उसी पर्पस पर स्टिक करें, उस पर्पस को ना भूलें. कॉम्पिटिशन वाली चीज़ ना लाएं अपने एटीट्यूड में और उसको पुश ना करने लगें टूवर्ड्स अगेन रोट लर्निंग और रैट रेस.
आप उसी चीज़ पर स्टिक करें कि तुम्हें समझ के पढ़ना है, कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं, मार्क्स चाहे जो भी हैं। तो अगर आप इन दो चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं हमेशा के लिए, सो आई रिकमेंड ICSE। आई होप दिस हेल्प्स। बाय बाय।